हेलो फ्रेंड्स, पता है आज मैंने ये हथौड़ा देखा और इसको देखते से मुझे एक दृष्टांत की याद आ गई। अगर आप कहें, इजाजत दें तो मैं सुनाऊं। वाह, थैंक यू। एक बार एक कंपनी में बहुत अच्छी अच्छी मशीनें लगी हुई थी। बहुत अच्छी सी कंपनी थी और बहुत सारे उसके प्रोडक्ट निकलते थे। एक बार क्या हुआ कि वहाँ पर एक मशीन खराब हो गया। अब वो मशीन को काफ़ी सारे लोगों को दिखाया गया जो उस शहर के थे, पर वो सारे मैकेनिक उसको समझ ही नहीं पा रहे थे कि कैसे ये ठीक होगा। वो सही नहीं हुई। फिर उसके लिए उन्होंने इंजीनियर को बुलाया। उन्होंने भी आके बहुत कोशिश की लेकिन वो मशीन सही नहीं हुई। फिर उनको समझ में नहीं आया तो उन्होंने विदेश से एक मैकेनिक बुलाया और वो भी आके वहाँ पे बहुत कोशिश उसने किया पर उसे समझ में नहीं आई कि ये मशीन में क्या दिक्कत है, ये चल क्यों नहीं रही है। और इसके बाद वो मालिक, जो फैक्ट्री का मालिक था, वो बहुत परेशान हुआ कि मेरी इतनी इतनी बड़ी फैक्ट्री और इतनी कीमती ये मशीन और ये ख़राब हो गई है, मैं क्या करूँ, इसको रिप्लेस भी नहीं कर सकता और समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या खराबी हुई है। वो बहुत परेशान था, बहुत निराश भी था। ऐसे में उसने उसके मन में आया कि करे क्या, बस वो चला जा रहा था सड़क पे। एक जगह रास्ते में उसका मन हुआ कि थोड़ा सा बैठ के चाय पी लेते हैं। तो उसने बगल के एक ढाबे के पास अपनी कार रोकी और वहाँ पे गया, वो चाय पीने के लिए बोला और बैठ गया। जब वहाँ पे वो बैठा, इतने में एक मिस्त्री, साधारण सा एक मिस्त्री था, वो वहाँ पे आके बैठा और उसने भी चाय चाय पीने के लिए बोला। इतने में वो इस मालिक को देख के पहचान गया, बोला, अरे सरकार, आप यहाँ कैसे? तो बोले कि अरे कुछ नहीं, बस ऐसे जा रहा था तो थोड़ा सा मन हुआ कि चाय यहाँ पे पी लें। तो बोला, हाँ मालिक, बहुत अच्छा, आज आपके दर्शन हो गए। और सब कैसा चल रहा है, फैक्ट्री कैसी चल रही, कंपनी कैसी चल रही है? तो मालिक ने बताया कि हाँ बहुत अच्छा है, पर एक मशीन ऐसी हमारी ख़राब हुई है कि इतनी महंगी वो मशीन थी और उसका कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो उसने बोला, अच्छा मालिक, अगर आप कहिए तो मैं भी एक बार चल के उसे देख लूँ। और लॉकडाउन से पहले मैं ऐसे बाहर ही काम करता था और वहाँ पे बहुत सारी मशीनों को मैंने देखा है, अगर आप कहें एक बार मैं भी देख लूँ। तो वो मालिक हंसे, बोले कि तुम उस मशीन को ठीक करने के लिए मैंने विदेश से भी मैकेनिक बुलाया था पर वो भी नहीं ठीक कर पाया, तो मुझे नहीं लगता कि तुम ठीक कर पाओगे। तो बोला, जैसा कहिए मालिक, मैं सोच रहा था एक बार मैं देख लेता। तो बोले, अच्छा ठीक है, अगर तुम देखना चाहते हो तो चलो भाई देख लो। तो वो साथ में अपने कार में बिठा के उसको ले आए अपनी फैक्ट्री, अपनी कंपनी में। और वो गया और उसने उस मशीन का बहुत ही बारीकी से निरीक्षण किया और पूरा आगे से पीछे ऊपर से नीचे निरीक्षण करने के बाद उसने अपने औजार में से एक हथौड़ा निकाला और एक खूब तेज से एक हथौड़ा उसने उस मशीन पे मारा और जैसे हथौड़ा लगा मशीन स्टार्ट हो गई। अब मशीन स्टार्ट हो गई, मालिक बहुत खुश, सब लोग बड़े खुश कि अरे इतनी बड़े बड़े सब आए और इंजीनियर तक भी आए, इस मशीन को नहीं सही कर पाए पर आपने यह सही कर दिया, वो भी एक हथौड़े में, तो बहुत अच्छी बात है। तो मालिक उससे पूछने लगे, भाई तुम बताओ कै रुपया तुम्हें दे दें? तो उसने बोला कि मालिक, 1 लाख रुपया दे दीजिए। तो अब ये चौंके, बोले, एक हथौड़ा मारने के लिए 1 लाख रुपया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तो बोला, हुजूर, 1 लाख रुपया इसके लिए नहीं कि एक हथौड़ा मैंने मारा, 1 लाख रुपया उसके कीमत है कि वो हथौड़ा किस सही जगह पर लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? थैंक यू।